हर किसी के गोदाम में जरूर पाई जाती है। एल्यूमिनियम की सीढ़ी वजन में हल्की, मजबूत और जंग ना लगने वाली होती है, पर कुछ समय बाद ये मजबूत सीढ़ियां भी जवाब दे देती हैं। पर नई टेक्नोलॉजी और सस्ती तकनीकों की मदद से इन टूटी फूटी सीढ़ियों से कुछ नया बनाया जा रहा है। हर साल रैम आयरन एंड मेटल अपने 12,000 वर्ग मीटर में फैले कारखाने में ऐसे एल्यूमिनियम के 20,000 टन टुकड़े लाते हैं और उनसे काम में आने वाला एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से बनाए जाते हैं ऑयल टैंकर के पार्ट्स। पर उन पार्ट्स को बनाने से पहले सीढ़ियों के टुकड़ों को पिघलाना होगा। कारीगर इन सीढ़ियों को बिन में भरता है और इन्हें कारखाने में ले जाकर बिन को एलिगेटर शीयरर में पलट देता है। एलिगेटर के 34,000 किलो पास्कल की ताकत वाले जबड़े इन सीढ़ियों को छोटे टुकड़ों में काट देते हैं। इसके बाद कारीगर इन टुकड़ों को ट्रक में लाद देता है। अब ट्रक इन टुकड़ों को भट्टी तक ले जाता है, जहां सीढ़ी के इन टुकड़ों को पिघला दिया जाएगा। दूसरी मशीन की मदद से ये टुकड़े भट्टी में डाले जाते हैं। एल्यूमिनियम 732 डिग्री सेल्सियस पर पिघलकर 6 मीटर गहरे सांचे में पहुंच जाता है। ठंडा होने के बाद क्रेन 113 मैट्रिक टन के इस एल्यूमिनियम के टुकड़े को निकाल लेती है। 60 सेंटीमीटर मोटी एल्यूमिनियम शीट बार बार रिवर्सिंग मिल में घुमाई जाती है। मशीन का 2200 मैट्रिक टन का दबाव इस मोटाई को लगभग 2 सेंटीमीटर तक कर देता है, जिससे ये टुकड़ा एल्यूमिनियम की 91 मीटर लंबी शीट में बदल जाता है। फिर एल्यूमिनियम की ये शीट मैन्युफैक्चरर्स तक भेज दी जाती है, जो इससे टैंकर के कई पार्ट्स बनाएंगे। ऑयल टैंकर बनाने के लिए एल्यूमिनियम की शीट को मोड़ते, घुमाते और फिर टैंक के आकार में वेल्ड करते हैं। इस टैंक को ट्रक पर लगा दिया जाता है। इसके बाद इसमें नलियां, गेज और दूसरे सिस्टम्स लगाए जाते हैं। ऑल मैक टैंक इंटरनेशनल लिक्विड लाने ले जाने वाले टैंक्स हर साइज में बनाते हैं। वो 1900 लीटर के छोटे टैंक से लेकर 34,000 लीटर तक की कैपेसिटी वाले बड़े टैंक्स बनाते हैं। ऑल मार्क टैंक बनाने के लिए 100% प्योर एल्यूमिनियम इस्तेमाल करते हैं, यानी इसमें कोई मिलावट नहीं। ऑयल टैंकर बनाने के लिए सबसे पहले एल्यूमिनियम शीट्स को साथ में जोड़ना पड़ता है। ओवरहेड क्रेन एल्यूमिनियम की 3 शीट्स को सीम वेल्डर में डाल देती है। शीट के सीम वेल्डर में जाने के बाद कंप्यूटर से चलने वाले 2 इलेक्ट्रोड्स हर शीट का सिरा पिघलाकर वहां जोड़ बना देते हैं, जिससे 2 शीट्स आपस में जुड़ जाएं। कारीगर नई बनी इस बड़ी सी शीट में निशान लगा देता है, जिससे पता चल सके कि उसे कहां से मोड़ना है। क्रेन की मदद से शीट को उठाकर रोलिंग मशीन में रखते हैं, जहां ये जरूरत के हिसाब से मोड़ दी जाएगी। टेक्नीशियन रोलर में शीट को मोड़ने का एंगल फीड कर देता है। इसे कितना मोड़ना है यह टैंक के फाइनल साइज पर निर्भर करता है।
रोलर की मदद से शीट को दो जगह से मोड़ते हैं। इससे टैंक के साइड्स और निचला हिस्सा तैयार हो जाता है। कारीगर इस मुड़े हुए टैंक को नीचे उतार लेते हैं, जहां इस पर आगे का काम किया जाएगा। कारीगर हथौड़ियों और टांके सही करने वाले टॉर्च की मदद से टैंक के सिरों को ठीक करते हैं। टैंक को अंदर से और मजबूती देने के लिए इसमें सपोर्ट्स लगाए जाते हैं, जिन्हें बैफल्स कहते हैं। कारीगर इसमें दो ट्रायंगुलर बैफल्स भी लगाता है, जो स्पिल बेसिन का काम करेंगे। इससे टैंक को ऊपर से भरते वक्त ओवरफ्लो होने का खतरा नहीं रहता। एल्यूमिनियम पर खरोंच ना आए, इसके लिए उसकी सतह पर प्रोटेक्टिव पैनल चिपका दिए जाते हैं। इसके बाद कारीगर टैंक को दो पोजिशनल मशीन्स के बीच रखता है। इस मशीन की मदद से टैंक आसानी से घुमाया जा सकता है, ताकि इसके सिरों की वेल्डिंग में कोई दिक्कत ना आए। मिग वेल्डर की मदद से कारीगर एल्यूमिनियम शेल को 3500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलाते हैं। इससे एल्यूमिनियम पर सिरों के साथ लगा हुआ एक चैनल बनाया जाता है। सिरों को चिकना रखने और अच्छे से बंद करने के लिए इसमें मेटल भरा जाता है। ये काम काफी मेहनत वाला है और सही से करना जरूरी है। एक भी छेद छूट जाने का मतलब है बहुत बड़ा खतरा। वेल्डिंग पूरी हो जाने के बाद जांचा जाता है कि दबाव पड़ने पर टैंक किस तरह से काम करेगा। इंस्पेक्टर टैंक में पानी का पाइप लगाकर उसे उसकी 34,000 लीटर की कैपेसिटी तक भर देता है। टैंक को सील करने के बाद उसमें 34 किलो पास्कल का एयर प्रेशर बनाते हैं, जिससे वेल्ड किए गए सिरों की मजबूती जांच सके। अगर सिरे सही से वेल्ड नहीं हुए होंगे तो टैंक फट जाएगा और उसे दोबारा वेल्ड करना पड़ेगा। टैंक इस दबाव को झेल गया, अब इससे पानी निकाल लेते हैं। ये टैंक आगे के कंस्ट्रक्शन के लिए एकदम तैयार है। आगे देखिए कैसे कारीगर टैंक में पंप्स, प्लम्बिंग और गेज लगाते हैं और इसे ट्रक बेड पर इंस्टॉल कर देते हैं। कारीगर खराब हो चुकी सीढ़ियों को काटते, पिघलाते और उसे दबाकर प्योर एल्यूमिनियम की 90 मीटर की शीट बना लेते हैं, जिसका इस्तेमाल करके 34,000 लीटर की कैपेसिटी वाला टैंक बनाया जाता है। ईस्ट वे टैंक पंप एंड मीटर लिमिटेड इस खोखले एल्यूमिनियम के टैंक को एक शानदार टैंकर ट्रक की शक्ल देगा। टैंक को ईस्ट वे पहुंचा दिया गया है, जहां अब वो असेंबली बे में खड़े ट्रक बेड के ऊपर रख दिया जाता है। ओवरहेड क्रेन की मदद से टैंक को ट्रक पर रखते हैं। कारीगर रेंच के इस्तेमाल से उसे उसकी जगह पर कस देता है। इसके बाद टेक्नीशियंस उस पर टैंकर्स, पंप्स, गेज और दूसरे सिस्टम्स लगाएंगे, जिनके इस्तेमाल से गैस या डीजल फ्यूल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकेगा। इंस्पेक्टर इस पंप और मॉनिटरिंग सिस्टम की जांच करता है, जिससे किसी पार्ट में गड़बड़ की गुंजाइश ना रह जाए। कारीगर आखिरी के कुछ जरूरी काम पूरे करता है और अब ये ऑयल टैंकर अपने लंबे सफर पर निकलने के लिए तैयार है।